संगत सारे प्रेमी बिहारां छड़दे होए गुरु महाराज दी हजूरी च पहुंचे हां। आओ जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ। फिर ख्याल नूं रोकण दी कोशिश करनी है, ख्याल नूं भी रोकना है, बच्चों नूं भी संभालना है। पता हुंदा मातावां नूं भी जिहड़ा बच्चा रिहाड़ी है उस नूं पिछले पासे थल्ले लै जाओ, उत्थे भी सुनी जाएगा सी क्रैशी चीज है। क्यों जे संगत दे विच बच्चा रोंदा रहे तां इक तां इह हौल है, हौल होण करके आवाज ज्यादा फड़दा, खुले सौदा जे समा जांदा, रौला इत्थे नहीं समाउंदा। जिहड़ा बच्चा इहा जिहा उह आपे ही बीबी पिछले पासे लै जावे, लाभ उस नूं उतना ही होवेगा। नाले संगत दा जो मन नहीं खिड़ेगा, पूरा रस आवेगा गुरबाणी दा। आओ बच्चा बिना सरदा नहीं है, बच्चे नूं भी घर दा दीवा मन्निया सात संग।
पर जही जी जगह होवे हजा फिर वरतना चाहीदा, और बच्चे का रौला नहीं पैना चाहीदा। जिथे रौला गौला उत्थे फिर जड़ी विचार है ना उसका पूरा लाभ नहीं होया करदा। और जड़े बच्चे तां बैठन जाने ने कोल तां बहाल के रखो, बाकी जड़े बच्चे ने खेलन वाले जां रोण वाले उन्हां नूं पिछले पासे थले लै जाओ। सारे सुणदा आओ साध संगत आपणे गुरू नूं नमस्कार करके बैठ जाओ। फिर जड़ा अपना ख्याल है ना ख्याल इस नूं रोकना है। ख्याल है जड़ा बाज मुख होया होया, बहुत जन्म हो गए इस नूं बाज मुखता विच फिरदे नूं। अंतरमुख दा तां उपदेश किसे ने करिया ही नहीं ना इस नूं, आपने आप इस नूं पता कोई नहीं है। ये तां जमदा ही पदार्था नूं पै गया, जिस वास्ते आया तो तां गल्ले ही भुल गया है। आओ गुरु द्वारा सानू पता लगदा, गुरु उपदेश करदा साडा भई जितना चूर तू जिहड़ा तेरा ख्याल है बाहरों इनू नहीं रोकदा, रोकना यही है इहदा फुरना बंद करना। ये बाहर जाके किसे चीज नू कल्पदा देखदा है, उस तो हटा के इसनू ताही ता महापुरश दियां धारना पड़ाउंदे ने भी सारे बोलन बोलन करके जिहड़ा ख्याल है बंडिया रहिंदा है। इयों आपो अपना ख्याल रहिंदा भी बोलना है, अगर ना ही बोलना होवे तां पता ही नहीं लगदा, चुप करके बैठे रहिंदे ने। और इस करके महापुरशां ने बहुत चंगियां चालियां चलाईयां ने। ये बाबे वास्तुआं वाले संत महाराज जी बीवी सदी दे अवतार मन्ने ने। उन्होंने देखिया भाई खुला डुला इलाका आए बोलियां बालियां जां बुढ़ियां गीत जे गाउंदियां ने। इसे तरह इन्हां नूं हौली हौली बाणी दे नाल जोड़िए, जद इन्हां दा सुभाव बन जाएगा फिर आप ही हट जाणगे बोलियां पाउण ते। इह उन्हां ने फिर सिद्धियां धारना शुरू कर दित्तियां। इयों फिर संगत नूं बहुत लाभ होण लग गया। गल तां उह करनी चाहीदी है जिस तों बहुत ज्यादे लाभ हो। ठीक है महाराज जी ने बाणी रागां दे विच उचारण कीती है सारी, राग है चंगी गल, पर राग नूं समझण वास्ते बुद्ध भी लियाउणी पवेगी ना। जिहड़ा सधारण बंदा उस नूं राग दा नहीं पता लगेगा, पहला तां चंगियां नूं नहीं पता लगदा। हुण जिहड़े हमेशा बाणी पढ़दे ने ना उह तां समझ लैणगे भी हाँ इह फलाना शब्द पढ़दा है, पर जिन्हां ने नहीं बाणी पढ़ी उन्हां नूं पता नहीं, उह देखी जाणगे उहदे कन्नी। इवें सिद्धियां जिहड़ियां धारणा ने ना इन्हां दे विच कुदरती मन आम जीवां दा भी टिक जांदा है। संगीत एक ऐसी चीज है, और संगीत ही हुंदा सिनेमियां दे विच किवें बैठे हुंदे ने लोग किस तरह देखदे ने, हालांकि असली चीज नहीं नकली शौं है उह। जिहड़ा उत्थे नचदा टपदा उह तां है ही नहीं उत्थे। देखो सानू अकल देख लो पहलां साडी, असी होर की करांगे, असी सौ नूं ही पैसे देई जाने वाले। वो असली चीज़ नूं तां दे दो, तुहानूं फायदा भी हो जाए देखण दा। वो तां उहनां दी फोटोआं ने, देखो फोटोआं वास्ते किवें असी टिकट लैंदे आ ब्लैक ते, दसो सानूं सियाणा कौण कह दे। साडी मत दे विच फर्क आ गया ना, आओ हाए हू उत्थे कुछ नहीं आ, नाले निगाह नूं खांदी आ रोशनी आ जिहड़ी पता तो बगैर हट नहीं हुंदा। सत्संग तां इसे करके महापुरश फिर सरल धारणा पढ़ाउंदे ने, इयो संगत नूं लाभ हुंदा सारी नूं। अगर ना पढ़ाउण तां बैठी संगत फिर कुदरती मन दा ख्याल है ते बाहर चले जांदा, गिज्जिया ना बाहर मुखता ते। इहनूं अंदर मुख करना है, अंदर
सुख मुख बिना कदे सुख नहीं हो सकता। सार संगत आपा जद कूक नींद सुते पे हों जिन सौन स्लीप कहते ने उस टाइम दे विच ना ता दुनिया हुंदी है ना धरती हुंदी है ना शरीर हुंदा ना उत्थे मन हुंदा। जे इसनू कोई सुते पे नू जगा दे ता फिर उसनू कहिंदा वी मैं ता बहुत सुख से सुता पिया सी क्यों तैं मैनू हाक मार दित्ती तैं ता मेरी नींद छड़ाती आके सुख उत्थे कादा सी। सुख ता है ही नहीं ती उत्थे कोई सुख ने महसूस क्यों करया उस जगह दा उत्थे इसका जिहड़ा फुरना सी जिहनू मन कहने आ ख्याल कहने आ वह नहीं सी इसनू पता। और उत्थे सुख ता कोई नहीं जड़ वास्ता वह जा मरिया पिया रहा हजे सुता पिया रहा एको ही गल है। इतना का फर्क है जेड़ा जिंदा सुता पिया जे उसके हथ ला दे तकलीफ होंगी मरे हुए तकलीफ नहीं होंगी। फुरना मरे नू भी नहीं होंगे फुरना सुते पे नू भी नहीं होंगे। इं दसिया भी उत्थे सुख और किसी चीज का नहीं इसका मन है जेड़ा वो कारण शरीर है कि इस दे अंदर मन जेड़ा इसका अपना ये लय हो जाता ऊक नींद कहने आप भी सुते पे हाँ। जे ही मन नाले ता चेतन रहे नाले नू उस सुख दा अनुभवी भी होवे जे ये बाणी दे नाल जुड़ जावे जे विचार दे नाले फुरना छड़ दे इस नू सा विकल्प समाधि कहिंदे ने। समाधियां बहुत किसी दुनिया ने गुरु घर दे विच साब कल्प रूप समाधि कहिंदे ने वी जिहड़ा मन है ना वो कल्पना छड़ दे कल्पना छड़ के बाणी का सरूप बन जावे। ये मन दर भी भूत चीज है इस तरह पानी है जिसका ये चिंतन करता ना मन ये उसका सरूप बन जाता अपना शरीर भुल जाता है। और इस तरह इसनू बाणी दे नाल जोड़ के अपना शरीर है जेड़ा ये भुलाना जिन्ना चिर शरीर भासदा उन्ना चिर हरकत करता बंदा। जद शरीर भासनों हट जाएगा संगत दे विच इहदी समाधि लग जाएगी। समाधि जिहनू कहने समाधि कोई बाहरों नहीं आउणी है ना कितों लियाउणी है बस मन का फुरना रोकना। जिहड़े ऋषि मुनि गुरसिख साधना करते ने वो इस वास्ते ही करते ने भी मेरा मन नाम दे विच लाके एकाग्र हो जावे। ठीक है जितना चिर इहदा ख्याल नौ द्वारां दे विच फिरदा ना नौ द्वारे काया कोट है उतना चिर फुरना करता रहेगा। नौ द्वारां दा स्वभाव है जिहड़े नौ द्वारां दी वस्तु है ना वो इसनू भासदी रहिंदी उस कल्प रूप है जिहड़ी वस्तु है जिहे जे नाल मन लगदा उहदा स्वभाव उहदे ते लागू हो जांदा। जद असी नौ द्वारां नू संकोच के ख्याल नू पिछे हटा लांगे हुण भी इह अंदरों नौ द्वारां तां ही निकलदा इस ही ख्याल नू जे आपां इहनां नौ द्वारां ते पिछे हटा लईए की पिछे हटाउण दी जुगती आ वी पिछे किवें हटेगा इह। देखो जिहड़ी अखां ने आपणियां इहनां तां ही निकल के ये कल्पना करता है जिही जी चीज दे दा उसका फिर ये फोटो उतारनी शुरू कर दिंदा इसनू अखां कन्नी ना आउण दो अखां कन्नी हटाओ इहनू। फिर ये जवान साई निकलदा वी फलानी चीज च बड़ा रस है इसनू जवान तो रोको। रोकना की भी ये जिहड़ा खाना पीना है सब ये तो नासवंत है देखना चंगी चीज वह भी नासवंत ही है। निकलदा पैरां थाई भी चलीए पैरां तो रोकना इसनू फिर हत्थां थाई निकलदा उत्थों भी रोकना फिर कन्नां थाई ये निकलदा बाहर
कन्ना था ही निकलदा कन्ना नू रोक लो ए सुनदा गंदे गीत ओ भी नासवंत ने सारे जद इनू सारिया द्वारा तो विचार द्वारा आप खाली कर लांगे ना खाली फिर इस दे विच विचार पैदा होगी जिन्ना चिर ना नवा द्वार तो आप इस नू खाली नहीं कर दे ता फिर यह कदे बाणी दे नाल नहीं लगेगा हौला हल्का स्वस्थ मन नहीं बाणी फड़नी है मैले भारे गहले मन ने तो नहीं फड़नी है इस तरह फिर इस नू आपां जद इहदे पिछे अड़ जाएगा इन्हें खड़ना फिर नहीं है किहदा सुभाव है ना फिर आपां इस नू कादे नाल जोड़ना फिर बाणी नाल जोड़ना बाणी है सूखम ऐता स्तूल ने ना जिहड़े नौ द्वारे ने इस नू फिर ख्याल नू शब्द दे आसरे जां बाणी दे आसरे फिर इस नू दो अखां ते नक दी जिथे जड़ है ना जड़ उधरले पासे नू इस नू फेरना उस नू कहिंदे ने बाहरों वीरती नू रोक के अंदर मुख करना ये जिहड़े नौ द्वारे ने ना यह अखां दी और नक दी जड़ तो बाहर बाहर ने सारे बार बार ने जद अपनी सुरत है जिहड़ी शब्द नाल जुड़ के उस जगह दे विच चली जाएगी ना फिर उत्थे नाम ते सुरत ही रह जाएगी उत्थे आपां नूं अनुभव होगा बई जद यह नौ द्वारा नूं खिचेगी ना पिछे नूं फिर आपां नूं चट ख्याल आ जाएगा नाम नूं छड्ड गई मेरी सुरत फिर उत्थे मशक करेगा मिहनत मेहनत करन से हर एक वस्तु प्राप्त होंदी है कुछ थोड़ा जा शौक भी चाहिए जिवें आपां नूं पदार्थां दा शौक है हुण आ किवें भज्जे फिरदे आ ओवर टाइम लैंदे आ सौंदे भी नहीं हां काहदे वास्ते बई माया कमा लईए चंडीगढ़ कोठी लवांगे चल के आई फुरने ने ना ना कमाउण वाले ने रहना ना कोठी रहनी है नहीं रहेगी ये जीव आत्मा खनी किधर भड़कदा फिरूगा ठीक है हक दी किरत है चंगी पर जे परमार्थ दृष्टि द्वारा देखा जावे ना तो वह हक दी किरत वाला भी नहीं रहेगा हाँ जे वह परमेश्वर की बंदगी करे नाले करे हक दी किरत फिर तो उच्च कोटि का सिख बन जाता हो क्यों उसका किसी चीज़ नाल फिर लगा नहीं हुंदा जिते हाँ है ना जिथे मैं है जिथे हंगता ममता ना उथे फड़िया जाएगा ये गुरु का समझ है ना सब गुरु का है हूँ भी गुरु का ही जिदे कोई वस्तु प्राप्त हुई है ना वो गुरु की कृपा द्वारा हुई है पर इतनी इस नूं समझ नहीं है जद अंतरमुख हो जाएगा हौली हौली जा इनू अनुभव हो जाएगी भी मैं ना तो पदार्थ मेरे ने ना शरीर मेरा ना मैं शरीर दे विच रहना ही है इयों फिर इस नूं हौली हौली अनुभव होगा भी ये जो कुछ है परमेश्वर का ही है भी अपनी तो ड्यूटी है भोगी जाने फिर आपने परमेश्वर दे विच लै हो जाने ता ही दस्या ना कि जिस नूं भी कोई वस्ता प्राप्त होई चाहे आन मत्तां दे फकीर होए ने वो फिर उन्हां नूं गल हस्त अमल हो जाती है जिमें हथ ते औला पिया दींदा हुंदा इउं दसदे ने वी कबीर साहब नूं जद इह वस्ता प्राप्त होई कबीर साहब जी कहिंदा कबीर मेरा मुझ में कछ नहीं जोग सहै तो सो तेरा तेरा तुझ तो सौंप के क्या लागे मेरा कहण लगा पहला भी तेरा ही थी गुरु मैनू पहला इतना ज्ञान नहीं सी जद मैं परमेश्वर की करी बंदगी मन मेरा सूखम हो गया मैनू ये अनुभव होगी भी शरीर दे समेत जितने पदार्थ ने बच्चों समेत सारे परमेश्वर दे ने मेरा ये कुछ नहीं है पढ़ो प्रेम दे नाल तीन हिस्सों के बोलना पहला जा फिर सारे भाई बोलियो तीसरे वास्ते सारिया बीबिया बोलियो इतना वातावरण है ना जेड़ा शांतमई होना चाहिए
दुए नू दुए दा सा नहीं सुनना चाहिए। फिर देखो किस तरह मन लगेगा बाणी ते विचार दे नाल, किस तरह आनंद आवेगा। गुरमुखो आया होया दा जिहड़ा समय वह भी सफला होवेगा। आओ पढ़ो प्रेम दे नाल। सारे जो कुछ है सो सब कुछ परमेश्वर का ही। अच्छा हुण आपां इउं करो, जिन्ना चिर इत्थे बैठे ना उन्ना चिर परमेश्वर का समझ के देखो। बहुता चिर तां नहीं समझ आउणा, इन्ना चिर समझ के देखो किवें मन खाली हुंदा। सारे छड्ड दिओ मेर, गुरु सामणे प्रकाश है वी महाराज जोग सवेर शरीर दे सब तेरा ही है। देखो समाधि लगदी आ कि नहीं, देख लो ला के। और वह गंढा पईया हुई ने पदार्थ गंढा ने, वह नहीं खुलदियाँ, वह साधना द्वारा खुलनिया। एवें नहीं, जिहड़ा गुरसिख है वह तो सब कुछ गुरु का ही समझदा सत्संग।
आज तक थोड़ा जा उदाहरण दृष्टांत छेवें पातशाह महाराज जी मीरी पीरी दे मालक बहुत योधा गुरु तुरे जाते ने विचार दे विच नाल संगत आ सिख ने नाल जांदिया जांदिया विचार दे विच एक तोता बोलदा तोता ओ बोलदे नू देख के छेवें पातशाह महाराज जी खड़ गए एक सनमुख सिख होया नाल महाराज जी खड़ के देख के इयों ही कह गए कहने तोता बहुत चंगा है तोता बहुत वधिया इन्नी ही गल कही है वो जिहड़ा सब कुछ गुरु का समझ रहा थी ना जिहड़े सिख का उसने मन दे विच आई भई गुरु साहब नूं ये तोता चंगा लग्या होवे ना तां ये तोता लैके पठान कोलों ये गुरु साहब दे चरणां दे विच अर्प कर दी अर्पण कर दी। खैर महाराज जी तां इतनी गल कह के गांह चले गए वो जिहड़ा सिख सी उत्थे ही खड़ गया वो पठान नूं कहण लग्या भाई तोते दा की मुल है तोते दा वो कहण लगा तैं की लैणा सिखा चलिया जा तोते दा मुल बहुत है कहिंदा फिर भी कितना क मुल है कहिंदा इस दा मुल तां तेरी लड़की है देख ला इहनूं कहिंदे ने सिखी साध संगत कहण लगा अच्छा इतना ही मुल है इसका कहिंदा चंगा फिर इसनूं बेच ना दई किते मेरा रहा तोता मेरा इउं दस्सिया वी जिहदा संपिया उह सब कुछ उहदी वस्ता भी बहुत उच्ची नूं फिर बहुत उच्चा पदार्थ मिलेगा पढ़ो प्रेम दे नाल